Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Shepherd's Treasure. This is your third chapter from the supplementary book, A Pact with the Sun. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि शेपर्ड किसको बोलते हैं और शेपर्ड्स ट्रेजर मीन्स खजाना. अब किस खजाने की बात कर रहे हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा जो है आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, विजडम की बात कर रहे हैं या उसका जो हेल्पिंग नेचर है उसकी बात कर रहे हैं. क्लियर? ह्यूमैनिटी की. तो शेपर्ड किसको कहते हैं बच्चों? जो किसको ग्रेस करता है, चराने के लिए ले जाता है, शीप, गोट, कैटल्स को. और ये एक फोक किसकी है? एक स्टोरी इरानियन है, ईरान के एक गांव की है जहां पे एक शेपर्ड रहता था. और वो कैसा था? बहुत ज्यादा गरीब था, अनएजुकेटेड था, पुअर भी था और अनएजुकेटेड, बट ह्यूमन वैल्यूज उसके अंदर थी, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी, जिसकी वजह से द किंग ने क्या करा था, मेड हिम गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. क्लियर? तो यहां तक हमने पढ़ा था, इससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि क्या होता है. शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. तो जो जैसे होता है ना बच्चों की कोई फेमस हो जाता है तो ऑब्वियसली 10 लोग जो हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. तो सेम एक शेपर्ड जो अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था और पुअर था, और राजा ने उसको क्या बना दिया था, एक प्रोविंस को, प्रोविंस का या एक डिस्ट्रिक्ट का, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. तो दूसरे जो गवर्नर थे ऑफ अदर प्रोविंसेस, दे जेलस ऑफ हिम. और क्या करा उन्होंने, दे बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ बोलने लगे. और क्या बोला था कि ये जो शेपर्ड है ही इज वेरी डिसऑनेस्ट. और क्या करता था आगे उन्होंने ऐड करा कि ये क्या करता था, ही कीप्स फॉर हिम ए पार्ट ऑफ द मनी विच ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल. जो लोगों से पैसे कलेक्ट करता था उसका एक पार्ट अपने पास रखता था. और दैट्स द रीजन, क्योंकि इसके पास एक क्या रहता है, आयरन चेस्ट. But as he carried in it the treasure that he had secretly, जो उसने चोरी करा था या चुपचाप अपने पास रखा था, मे बी उस आयरन चेस्ट में है. और ये बातें उन्होंने जो है mockingly means मजाक मजाक में, funny way में राजा के कानों में बोल दिया. He was an ordinary, और आगे उन्होंने कहा भाई ये कौन है, ये तो एक क्या है, एक shepherd है, ordinary साधारण सा shepherd है, and could behave नो बेटर. और एक ये क्योंकि एक साधारण सा शेपर्ड है और ये इतना जो है अच्छा बिहेव की इसकी जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते, दैट इज वाई ये क्या करता है कि थोड़ा सा पैसा कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट मनी ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. अब आगे देखते हैं बच्चों, टू पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए. द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. अब ऑब्वियसली अगर हमें या प्रिंसिपल से अगर किसी की शिकायत करते हैं और बार बार अगर एक ही बात आप बोलेंगे, नहीं भाई ये तो डिसऑनेस्ट है, और ये एक जो है उसके बारे में बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो चोरी करता है या थीफ है, या तो ऑब्वियसली एक दिन होगा कि राजा कहेगा भाई जब सारे लोग कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट है तो इसको बुला लेते हैं. तो सेम द किंग डेट द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. अब न्यू गवर्नर को कहां बुलाया गया, पैलेस में. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. और उससे पूछा गया जो जो बातें उसके अगेंस्ट बोली थी, जो गवर्नर्स ने, अदर प्रोविंस के गवर्नर्स थे, जो जो बातें उसके खिलाफ अगेंस्ट बोली थी, वो राजा ने उससे पूछा कि भाई why, कि explain why you always carried that iron chest. The chest contained no gold or silver. अब उसने क्या बोला है कि इसमें ना तो कोई गोल्ड है ना कोई सिल्वर है. अब ये जो थ्री पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, यही पॉइंट्स को हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो थर्ड पार्ट में ये तीन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. क्लियर बच्चों? एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. अब पहले जो है ऑब्वियसली होता है ना कि एक बार ही सुन लिया, लेट गो करा, सेकेंड टाइम पर लेट गो करा, बट बार बार जो है कोई शिकायत करेगा तो ऑब्वियसली उसको कॉल करा जाएगा. तो शुरू में क्या करा बच्चों, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स
बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स। अब क्योंकि राजा है और राजा को तो सब सब जो है इक्वल है, अगर कोई शिकायत कर रहा है आपकी तो ऑब्वियसली आप ज्यादा दिन तक उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और जो रोज उसको अगेंस्ट बोल रहे थे, दे टॉक टू द किंग अगेंस्ट द शेपर्ड, एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात जो है सबकी जो है सर्टेन थी, सही थी, क्या थी, व्हाट वाज दैट, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर। एक बात क्या थी ट्रू कि जो न्यू गवर्नर था ऑलवेज कैरी अ आयरन चेस्ट, तो ये किसने, राजा ने भी नोटिस करा कि हाँ भाई इसके पास एक आयरन चेस्ट हमेशा रहता है। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, हमेशा उसके पास एक आयरन चेस्ट रहता है। तो जैसा अदर गवर्नर्स ने बोला था, गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, कि ये हमेशा क्या करके रखता है, ऑलवेज कैरी अ आयरन चेस्ट, और उनके जो है कुछ डाउट्स थे कि इसमें क्या रखता है ये, मे बी ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, हो सकता है जो सीक्रेटली जो कलेक्ट करता है पैसा वो किसमें रखता है, आयरन चेस्ट में। क्लियर? सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समॉन्ड, समॉन्ड का मीन उसको बुलावा आया, ऑर्डर दिया, कम टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट। अब वो किसमें आया, अपने कैमल में आया। अब सब खुश क्यों हो गए, क्योंकि जिन्होंने शिकायत करी थी तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, डिलाइट, डिलाइट का मतलब हैप्पी। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब वो जो आयरन चेस्ट था वो कहां पे अच्छी तरीके से जो है सिक्योरिटी, बिहाइंड ऑन द कैमल्स बैक, कैमल के बैक में उसको अच्छी तरीके से जो है छुपा के रखा हुआ था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कि किस तरह से अदर जो है गवर्नर्स थे अदर प्रोविंसेस के, किस तरह से उन्होंने उसके अगेंस्ट राजा को बोला, कि क्या बोला बच्चों, कि ये क्या है, शेपर्ड इज वेरी डिसऑनेस्ट, और ये क्या करता है, ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट, और मे बी ही कैरीड इन इट द ट्रेजर ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो चुपचाप से उसने इसमें रखा। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब ऑब्वियसली उसने देखा कि हाँ भाई इसके पास तो एक चेस्ट है, और सारे जो हैं गवर्नर्स भी यही शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे थे कंप्लेन, कि इसके पास क्या है, एक आयरन चेस्ट है, और मे बी इसके अंदर क्या है, इनसाइड इट ट्रेजर विच ही कलेक्टेड सीक्रेटली, जो चुपचाप इसने इसमें रखा है, राइट। द किंग वॉज एंग्री। तो बच्चों अभी हमें, जब तक हमने आयरन चेस्ट नहीं खोला है तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट किंग है वो, राजा है, लोगों की बातों को उन्होंने सुना, और ही वॉज एंग्री, ही थंडर्ड। अब थंडर्ड मीन्स गुस्से में उन्होंने क्या बोला, Why do you always carry that iron chest with you? कि तुम हमेशा अपने पास ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? Obviously वो क्वेश्चन तो पूछेंगे, क्योंकि सारे गवर्नर ने उसके खिलाफ क्या करी थी, कंप्लेंट करी थी। He asks, the king asks, why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? इसके अंदर क्या है? The governor smiled. अब गवर्नर, क्योंकि वो क्या था, ट्रू था, सच्चा था, ऑनेस्ट था, ही स्माइल्ड। गवर्नर कौन है बच्चों, न्यू गवर्नर शेपर्ड, न्यू गवर्नर कौन था, शेपर्ड। क्लियर? तो जो न्यू गवर्नर था वो क्या हुआ, ही स्माइल्ड, क्योंकि उसने कोई जो है चोरी नहीं करी थी, कुछ पैसा उसने कलेक्ट नहीं करा था, और उसमें कोई खजाना नहीं था, दैट इज व्हाई ही स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। अब उसने अपने साथ जो उसका सर्वेंट था, ऑब्वियसली वो गवर्नर था एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसने अपने सर्वेंट से कहा, प्लीज ब्रिंग दैट चेस्ट। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। अब जो अदर गवर्नर थे वो थोड़ा सा ईगरली थे, एक्साइटेड थे टू नो
कि कब इसमें से खजाना निकले और द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, और इसको जो है बाहर निकाला जाए। तो जितने लोग वहां पे खड़े थे और जो शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन करी थी, तो वो क्या थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ईगरली टू नो, और वेट कर रहे थे कि फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, कि कब इसको जो है पकड़ा जाए और कब राजा इसको बाहर कर दे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, सब लोग जो है एकदम से एस्टॉनिश्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए, इवन राजा भी हिमसेल्फ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस चेस्ट को खोला गया, नो गोल्ड और नो ज्वेल्स, कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं था, कोई ज्वेल्स नहीं था, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। और उस चेस्ट के अंदर क्या था बच्चों, इनसाइड दैट चेस्ट एक ओल्ड क्या था, ब्लैंकेट था, ओल्ड ब्लैंकेट। अब क्यों रखा था बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं इसको। तो आयरन चेस्ट में क्या था, नो ज्वेल्स, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल, बट क्या था इनसाइड, ओल्ड ब्लैंकेट। तो आयरन चेस्ट इनसाइड नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट क्या था, एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा क्या था, कंबल था। तो आपने देखा होगा कभी सर्दी होती है, कोई शेपर्ड को देखा होगा तो वो क्या रहता है, उसके पास एक ब्लैंकेट रहता है अराउंड द बॉडी, क्लियर। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड टोल्ड दिस सेड, अब उसने क्या, उसको ऐसा नहीं लगा कि बहुत शेम फील कर रहा था कि भाई एक पुराना सा उसके जो है चेस्ट के अंदर आयरन चेस्ट में एक ब्लैंकेट निकला, उसने उसको प्राउडली जो है उसको होल्ड करा, होल्ड इट प्राउडली, पूरा जो है उसको प्राउड फील हो रहा था कि ये मेरा पुराना कंबल है। क्यों करा था बच्चों ऐसा, आप कुछ आपको लग रहा है कि क्यों, आप एज्यूम कर सकते हैं क्यों रखा हुआ था उसने ओल्ड कंबल ब्लैंकेट, इसलिए रखा था बच्चों कि जब उसका खराब टाइम था, बैड टाइम था, कि जब वो बहुत ज्यादा गरीब था, तो उस समय उसका साथ किसने दिया, खाने को नहीं होता था, पहनने को नहीं होता था, तो एक ब्लैंकेट था उसके पास, हमेशा वो उसको ओढ़ता था, तो उसको शेल्टर से बचाता था हर चीजों से, ब्लैंकेट। तो दैट इज वाई इट इज जो है कह सकते हैं आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ऑब्वियसली अगर आपको कोई खराब टाइम पे, तो आपको भूलना नहीं चाहिए। तो एक मैसेज भी है यहाँ पे बच्चों कि अगर कोई, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, अगर आप पे बुरे समय पे अगर किसी ने आपका साथ दिया है, तो आप उसका साथ कभी ना छोड़े और कभी भी उसको भूले ना, हमेशा रिमेम्बर करें ऑलवेज और टिल योर लाइफ। ऑल दैट केम आउट होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर। अब उसने कहा कि दिस माय डियर मास्टर, कि ये मेरा क्या है, दिस इज ओनली माय ट्रेजर, यही मेरा खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। हु सेड, द शेपर्ड ने किससे बोला, सेड टू द किंग, बट व्हाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। अब राजा को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, उसने कहा भाई यही ब्लैंकेट क्यों लेके आप हमेशा घूमते, तुम तो एक गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, आफ्टर ऑल यू आर गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, और एक ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट यू कैरी, ऑलवेज यू कैरी विद यू। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड, अब इसका आंसर क्या देखा दिया बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली, विद क्वाइट डिग्निटी, पूरे जो है उसने रिस्पेक्ट से क्या चुपचाप क्या आंसर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्या है, फ्रेंड है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम
तो उसने कहा कि मुझे जो है ये हर समय जो है एट एनी टाइम क्या करेगा, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अब क्यों करेगा, आज मैं गवर्नर हूँ, मे भी कल मैं गवर्नर नहीं रहूंगा, तो ये जो ब्लैंकेट है इट विल ऑलवेज या स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक। अब क्योंकि गवर्नर आज है कल नहीं है, और ये जो मैंने क्लोक पहना है वो मे भी कल मेरे पास से चला जाएगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेस द जेलस गवर्नर। अब जो गवर्नर थे अदर प्रोविंसेस के, जिन्होंने कंप्लेन करी थी, राजा तो बहुत खुश हुए, प्लीज बने, हैप्पी डिलाइटेड। बट जो जेलस कौन हो रहे थे, जेलस जो गवर्नर से अदर प्रोविंस के, द एम्बेस ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला था और क्या हुआ, तो दे एम्बेस्ड, क्लियर। जितने जेलस गवर्नर से बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जैसे ही उन्होंने देखा कि शेपर्ड ने जो जवाब दिया, तो जितने भी गवर्नर थे जिन्होंने कंप्लेन करी थी किंग को, दे एम्बेस्ड, क्लियर। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इन डीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उनको भी रियलाइज हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत जो है राजा को इसके खिलाफ क्या करा था, अगेंस्ट कई बातें बोली थी कि ये डिसऑनेस्ट है, चोरी करता है, जो भी पैसा ये कलेक्ट करता है, मे बी इट इन साइड द आयरन चेस्ट, हो सकता है आयरन चेस्ट में, चेस्ट के अंदर है, विच ही हैड कलेक्टेड सीक्रेटली। तो उनको ये भी डाउट था कि जो पैसा इसने कलेक्ट करा है टैक्स में, वो इस चेस्ट में हो सकता है। और उन्होंने कहा आफ्टरऑल इस शेपर्ड इतना जो है अच्छा इंसान बन नहीं सकता, और इसलिए जो है वो उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट बोल रहे थे। और क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो आप सबने रियलाइज कर लिया था कि द शेपर्ड वॉज इन दीज द हमलेस्ट वाइजेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड कह सकते हैं, इन द लैंड कह सकते हैं। The man, the king made him the governor of such bigger district that very day. अब उसका और क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। अब राजा ने क्या करा, उस गवर्नर को जो एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, अब उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बन गया, गवर्नर बन गया। तो बच्चों हमें जो है, जब तक हमें इंसान का पता नहीं चलता, बिहेवियर का, करेक्टर का, उसकी क्वालिटीज का, हमें उसके जो है खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए, आपको उसको परखना चाहिए, जज करना चाहिए, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से गवर्नर जो है अदर प्रोविंसेस के, हाउ दे जेलस हिम, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दे रियलाइज दैट द शेपर्ड वॉज इन डीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्लियर। और राजा जो है, द किंग जो उनकी बातों में आ गए थे, अब राजा थे, उनको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना था, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड हिम टू द पैलेस। और फिर जो हुआ वो हमने अभी पढ़ा है बच्चों, कि क्या आयरन चेस्ट से क्या निकला था, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा ब्लैंकेट। और उसने क्या बोला कि चाहे मैं गवर्नर रहूं या ना रहूं मेजेस्टी, बट दिस ब्लैंकेट विल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, चाहे मैं गवर्नर हूँ, मेरा ये क्लॉक जो है ऑब्वियसली दूसरा गवर्नर आएगा उसको मिल जाएगा, तो ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा हमेशा साथी रहेगा, एंड इट इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, और ये मेरा सबसे पुराना साथी है, क्लियर। और जब आयरन चेस्ट से निकला तो सारे जितने जेलस गवर्नर थे दे एम्बरेस्ड, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जैसे अभी मैंने बताया, दे न्यू द शेपर्ड वॉज इन डीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ हिज मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, और उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। तो हमें यहाँ पे दिस इज अ क्या है ये बच्चों, एन इरानियन फोक टेल, एक ईरान की दंत कथा, एक उसके एक गांव की दंत कथा हमने यहाँ पे पढ़ी। तो मैसेज भी आपने पढ़ लिया है कि हमें जल्दबाजी में या हमें किसी से जालस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों सबकी जो है अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। अब आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती है, क्लियर। तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों से लर्न करना चाहिए कि हमें आगे फ्यूचर में किस तरह से आगे बढ़ना है, क्लियर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो है जो ह्यूमन वैल्यूज है, अपने को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें और अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड अपने आप को चेंज ना करें। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं उसको एज इट इज रखें, या अगर कोई बैड है क्वालिटी तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे उसकी ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या थी बच्चों, कि विजडम था, ऑनेस्टी थी, और थर्ड क्या था, ह्यूमैनिटी। किस तरह से वो लोगों को हेल्प करता था, उनके ट्रबल्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, और दैट इज वाई वो इतना फेमस हो गया कि राजा ने उसको क्या बनाया था, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने भी उसकी परीक्षा ली थी, और किस तरह से डिस्गाइज एज अ शेपर्ड वो कहाँ गए थे, केव में गए थे, और किस तरह से कन्वर्सेशन हुई थी, और वाइज कन्वर्सेशन, और आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उसके आगे अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जेलस गवर्नर जो जेलस करते थे, बट अगर आपके अंदर क्वालिटी है बच्चों तो कोई भी अगर कितना भी आपके अगेंस्ट बोले तो आप जो है नीचे नहीं गिरेंगे या एम्बेरस फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज है। क्लियर? तो कोई कितना भी आपके अगेंस्ट बोले, झूठ बोले चाहे सच बोले, तो कोई भी आपको वहां से अपनी आपकी डिग्निटी को हिला नहीं सकता। क्लियर? अ पुअर शेपर्ड, अगर किसी का कहीं पे छूट गया होगा तो यहाँ पे हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन अ विलेज इन इराक। तो ये सबको क्लियर है कि ये एक क्या है, इरानियन फोक टेल है, और कहाँ की है, ईरान के एक गांव की है जहां पे एक पुअर शेपर्ड रहता था, चरावा। ही वॉज अनएजुकेटेड बट वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। कैसा था वो? वाइज था, हेल्पफुल था। ही बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग नेचर ऑफ हेल्पिंग नेचर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम। किस तरह से लोगों को अपने सेंस से, कॉमन सेंस से सॉल्व करता था उनकी प्रॉब्लम को, उनको एडवाइस देता था। हिज पॉपुलरिटी रेज द किंग एंड द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज मीन्स बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू, वेश बदल के। ड्यूरिंग हिज मीटिंग द किंग फाउंड दैट द शेपर्ड वॉज रियली वाइज, वॉर्म, किस सेंस के उसकी हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार किया था, वाइज कन्वर्सेशन की थी, तो दैट इज व्हाई ही वाज इम्प्रेस्ड। वाइज, वॉर्म एंड केयरिंग, इम्प्रेस्ड बाय हिज ह्यूमैनिटी द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने बिहेवियर से किसी को भी, अपनी क्वालिटी से क्या कर सकते हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। क्लियर? Soon the shepherd won people's heart with his wisdom. Governors of other districts started feeling jealous of him and spread rumors. Rumors means उसके जो कहते हैं ना कि उसके बारे में जो है गलत बातों को जो है इधर उधर फैला रहे थे, rumors about him. तो कई बार होता है ना कि आपसे कोई jealous कर रहा है तो obviously आपके बारे में जो है वो गलत बोलेगा, बट आप गलत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप क्या है, सच्चे आप इंसान है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है आपके अंदर, विजडम है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो ऑब्वियसली अगर चाहे कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे रिपोर्टेड दैट ही यूज टू कीप अ पार्ट ऑफ द ट्रेजर या टैक्स कलेक्टेड जो विच ही हैड कलेक्टेड एज अ टैक्स सीक्रेटली, किसमें रखता है, कीप अ पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड इनटू एन आयरन चेस्ट। उन्होंने कहा भाई ये चोरी करता है, और चोरी मींस कि एक पार्ट जो है, जो भी टैक्स कलेक्ट करता है वो किस में रखता है, वो अपना एक बॉक्स है उसके पास, आयरन चेस्ट है, उसके अंदर रखता है। क्लियर? बॉदर्ड बाय द वेरीड कमेंट्स वन डे द किंग कॉल्ड द शेपर्ड टू हिज विलेज एंड आस्क्ड हिम टू ओपन हिज चेस्ट। अब राजा है, राजा ज्यादा दिन तक तो इग्नोर कर नहीं सकते गवर्नर को, तो दैट इज वाई दे कॉल्ड हिम टू द पैलेस and asked him to open his iron chest. After opening the chest, they found nothing but an old blanket. Those iron chest में क्या था बच्चों? No gold, no silver, no jewels. जैसा other provinces ने बोला था कि भाई ये क्या करता है? As a tax.
पहले क्या था टैक्स में लोग अपना ज्वेलरी या गोल्ड या सिल्वर देते थे, कैश कम देते थे और अपने प्रीशियस चीजें जो है दे देते थे एज ए टैक्स। क्लियर? नथिंग बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। तो उसमें क्या निकला, एक पुराना सा एक ब्लैंकेट। द शेपर्ड टोल्ड द किंग दैट इट वॉज हिज ओनली मनी एंड बेस्ट कंपेनियन। उसने कहा यही मेरा क्या है, इट वॉज माई ओनली माई ट्रेजर एंड बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कंपेनियन। रियलाइजिंग द शेपर्ड्स विजडम, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, द किंग अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जब सबने रियलाइज करा कि नहीं भाई, शेपर्ड क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, वाइज है, विजडम है इसमें, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, तो राजा ने उसको क्या बना दिया, एक और भी जो है उसका प्रमोशन हो गया, बिगर डिस्ट्रिक्ट का उसे क्या बना दिया, गवर्नर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द शेपर्ड्स ट्रेजर। तो शेपर्ड का खजाना क्या था बच्चों, क्या गोल्ड था, सिल्वर था या ज्वेल्स थे? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज नो। क्या था बच्चों, इट्स ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा ब्लैंकेट। तो हमारा चैप्टर क्या था बच्चों, शेपर्ड्स ट्रेजर। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द चैप्टर कि शेपर्ड का ट्रेजर क्या था बच्चों, एन ओल्ड ब्लैंकेट। और क्यों था, क्योंकि उसका ये क्या था, सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड था और यही उसका क्या था, खजाना था। क्लियर बच्चों? तो कल हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।